कोशिश कर, उठ, जोर लगा, शाबाश, जोर लगा, शाबाश, जोर लगा। चमत्कार मैंने बहुत देखे, मैं बता ही नहीं सकता हूँ आपको कितने चमत्कार देखे मैंने। लंगड़े चलते हुए देखे, गुंगे बोलते हुए देखे। मैं अश्विनी शर्मा हूँ आउटलुक मैगजीन से। ये एक पंजाब में एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है। पहले आप देखते थे कि जो दलित कम्युनिटी है वो डेराज की तरफ जा रही थी, अब दलित कम्युनिटी और उसके साथ सिख कम्युनिटी और कई सारे और जातियाँ इन चर्चों की तरफ आ रहे हैं, और जो कि नई एक डायमेंशन पंजाब में पैदा हो रही है। आज हम पंजाब के खांबड़ा विलेज में हैं, जलंधर डिस्ट्रिक्ट के, जिसमें सबसे बड़ी चर्च, जिसको कहा जा रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी चर्च बन रही है। हम लोग दो तरह के चर्च हैं अभी पंजाब में। एक मेन लाइन चर्च है जो बहुत साल पहले से काम कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ अपने प्रचार का काम नहीं किया, उन्होंने लोगों के जो सामाजिक इशू थे, क्योंकि मोस्टली जो ईसाई धर्म में आए हैं वो लोग लैंडलेस और वो लोग दलित में से थे, क्योंकि अभी डेरावाद सिर्फ सिखी में नहीं है, सिर्फ हिंदुओं में नहीं है, दलितों में नहीं है, डेरावाद क्रिश्चियनिटी, ये जो डेरावाद चलाने वाले लोग हैं वो सारे के सारे अपर कास्ट हैं। अगर आप, मैं बहुत साफ बोलूं आपको, जलंधर में जो मुख्य दो चर्च हैं और वो चर्च दोनों ही अपर कास्ट हैं, एक का संबंध बनिया कम्युनिटी से है, एक का संबंध जट कम्युनिटी से है, 25 के करीब इस तरह के डेरा है। और जो क्रिश्चियनिटी आज की क्रिश्चियनिटी है वो सब उधरी है, सबसे ज्यादा भीड़ वहां मिलेगी आपको, क्योंकि उनको वो पहले, वो लोग बहुत बिजनेस माइंडेड लोग हैं और उसी तरह वो काम करते हैं। जैसे आप देखो, आपको ऐसे चर्च भी मिल जाएंगे कि जो लोग साइकिल पर प्रचार करते हैं, और वो लोग वो भी सेवा कर रहे हैं, वो भी परमेश्वर का वचन लेके जा रहे हैं, लेकिन दूसरे पास वो लोग हैं जिनके का, मेरा ख्याल है कि मुख्यमंत्री का उतना बजट नहीं होगा एडवर्टाइजमेंट के लिए जितना बजट उनका बजट होगा। तो ये हकीकत है। I am at present running this diocese. I am from Bombay, retired as a bishop, but then I was sent here. We surely are not associated with these self-styled preachers who come suddenly and will disappear also suddenly, even though they have big followings. I must say they are very good at proclaiming, at preaching. That's what attracts the people. Their claims of healing. Many of them will hardly stand any test of any scientific healing, that they could be miraculous. So we are surely not associated with them. In fact, we disapprove of these kind of aggressive proselytization, which has never been part of the Catholic Church. This is something new. So we disapprove of them. And
but there's nothing we can do to control them. They have the freedom to preach just as we have, but we have to accept and bear with them at present. मेरे मैं आज से 25 साल पहले नशा करता था, तो नशा मेरा छूट नहीं रहा था। मैं कई अन्य जगह पर ही गया छोड़ने के लिए। 25 साल के बाद मैं यहाँ जब पहुँचा हूँ, तो मैं एक कार्ड पढ़कर पहुँचा जो पेपर लगाते हैं ना दीवारों पर, इश्तेहार लगाते हैं, इसमें लिखा था कि भाई जहाँ ऐसे ऐसे काम होते। मैंने पढ़कर साइकिल पर मैंने आना गया करतारपुर से। जब मैं पहली बार ही गया, 25 साल में पहली बार अंडर एंट्री किया, पैर डाला, तो उसी दिन मेरी शराब छूट गई। मे बी सम ऑफ द हीलिंग्स मे नॉट बी कॉल्ड मिरेकल्स, but some people do find psychologically even solace from their pain and suffering. So in that sense, they would be helping it, but the same simultaneously, they also will cause a lot of disruption of even good relations with other religious groups, because as I said, they are very aggressive.